अंबिकापुर की युवती का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी व रुपए की मांग करने वाले 1060 किलोमीटर दूर नोएडा में छुपे आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 4 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाई है। इंटरनेट के इस आधुनिक युग में लोग सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कई बार सोशल मीडिया लोगों के लिए आफत भी बन जाती है। ऐसे ही एक मामला जिला मुख्यालय अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती को सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। दरअसल अंबिकापुर निवासी एक युवती की फेसबुक के माध्यम से मथुरा में रहने वाले एक युवक कार्तिक से दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती और आगे बढ़ गई, दोनों के बीच वीडियो कॉल में बात भी शुरू हो गया। इसी दौरान आरोपी युवक ने शादी का झांसा देते हुए युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। युवती का अश्लील वीडियो बनाने के बाद युवक का असली चेहरा सामने आया। आरोपी युवक ने युवती को ब्लैकमेल करना और सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके एवज में युवक ने युवती से 5 लाख रुपए की मांग की, जिससे परेशान युवती ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं परिजनों के साथ बीते 3 मई को युवती ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने टीम बनाकर मथुरा के लिए रवाना हुई। साइबर सेल की मिली मदद से पुलिस की टीम मथुरा पहुंचकर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद साइबर सेल से जानकारी लेकर पुलिस की टीम नोएडा रवाना हुई और आरोपी युवक को नोएडा से गिरफ्तार कर अंबिकापुर ले आई है, जहां कोतवाली पुलिस ने आज आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 3/5/2022 को प्रार्थिया थाने उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मथुरा निवासी कार्तिक शर्मा से फेसबुक के माध्यम से जान पहचान और फेसबुक के माध्यम से ही व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे का आदान प्रदान किए। उसके बाद से ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपी कार्तिक उर्फ विष्णु शर्मा, जो मथुरा का निवासी है, उसके द्वारा शादी का झांसा देते हुए न्यूड वीडियो क्लिपिंग बना लिया। वीडियो क्लिपिंग बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग करते हुए 5 लाख रुपए डिमांड 5 लाख रुपए का डिमांड किया, नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल टीम बनाकर मथुरा के लिए रवाना किया गया, जिसे आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। 3/5/2022 का अपराध कायम किया गया और 7 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हो गई। टीम इसमें साइबर की टीम, सब इंस्पेक्टर संदीप कौशिक के नेतृत्व में मथुरा के लिए रवाना हुई थी। ठगी कर पाया? ठगी नहीं हो पाई थी, बस डिमांड ही कर रहा था।